हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी या जो हब ऑनलाइन क्लासेज क्लास 11th सब्जेक्ट जूलॉजी चैप्टर नंबर 8th द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोशिका संरचना एवं कार्य, कोशिका संरचना एवं कार्य। इस चैप्टर में सबसे पहले एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जी एन रामाचंद्रन जी एन रामाचंद्रन जो है, इसका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को हुआ था और दक्षिणी भारत के कोचीन यहां पर 1922 में इनका जन्म हुआ था। ये एक संस्था है, उसके संस्थापक थे। संस्था का नाम मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ वायोपॉलीमर। इस संस्था के संस्थापक थे। इन्होंने कोलेजन प्रोटीन की संरचना का अध्ययन किया था और इस अध्ययन को उन्होंने एक प्रकाशित की हुई इनकी बुक है नेचर के अंदर प्रकाशित किया 1954 में। 1954 के अंदर कोलेजन प्रोटीन की संरचना के बारे में प्रकाशित किया नेचर के अंदर। और कोलेजन प्रोटीन की जो संरचना है उसकी तिहेरी कुंडलित संरचना के बारे में बताया। तिहेरी कुंडलित संरचना के बारे में इन्होंने नेचर नामक पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया। इसलिए यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कोलेजन प्रोटीन की तिहेरी कुंडलित संरचना जो है उसका अध्ययन किसने किया था? जी एन रामाचंद्रन। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जो है वो 7 अप्रैल 2001 इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक डेफिनेशन है न्यूनीकरण जीव विज्ञान। न्यूनीकरण जीव विज्ञान न्यूनीकरण जीव विज्ञान इसके अंदर जैविक घटक और इसके अलावा अजैविक घटकों में भी रासायनिक और भौतिक। यहां से इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, जीवित जीवों का मतलब जैविक घटकों का भौतिक एवं रासायनिक उपागम को, इनके बीच में जो उपागम है
उसका अध्ययन जैविक जीवों का रासायनिक और भौतिक जो उपागम है उनके मध्य है, तो जीवन जो अध्ययन है उसको समझना या अध्ययन करना जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं न्यूनीकरण जीव विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक घटकों और अजैविक घटकों के बीच के पारस्परिक जो संबंध है, जो उपागम है उनका अध्ययन किया जाता है उसे न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहते हैं। इसके बाद चैप्टर जो है उसका मेन पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है द सेल कोशिका। कोशिका जो होती है, कोशिका यह जीवन का मुख्य आधार होती है, कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। सभी जीवों के अंदर यह पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, संख्या के आधार पर। यदि कोशिका की संख्या किसी जीव में एक है तो एक कोशिक जीव, एक कोशिकीय जीव, या ऐसे जीव जिनके अंदर दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के जीव सामने आते हैं, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनके अंदर सभी क्रियाविधि जो होती है, सारे जो जैविक कार्य होते हैं, जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं जो होती है वो एक कोशिका के द्वारा कंप्लीट होती है, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा एग्जाम्पल, अमीबा है, विषाणु होते हैं, वायरस को बोलते हैं। बहुकोशिक जीव ऐसे जीव जिनका निर्माण जो होता है वो दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है, उन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। जैसे मानव, पक्षी, पशु, सभी ये बहुकोशिक जीव है। इनके अंदर अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है। प्रत्येक जीवधारी के शरीर की निर्माणकारी कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसकी परिभाषा जीवों के शरीर की निर्माणात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। निर्माणात्मक यानी निर्माण करने वाली और क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका कहलाती है। कोशिकीय जीव स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, यानी कि जिनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं वो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं, और कंप्लीट रूप से जिन कोशिका नहीं पाई जाती वो स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकते। सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हमारा जो कोशिका के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।